हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, जो एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने क्या क्या है, देखिए हिंदुस्तान लाइव पर दिखा रहा हूं। ये 13 जून 2020 की न्यूज़ है। तो देखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये रहा 13 जून 2020 की न्यूज़ है। तो देखिए, इसमें कहा है प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में मील के पत्थर साबित होंगे सभी एक्सप्रेसवे, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है ये। तो देखिए आगे क्या कहा है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे व गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के मील के पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से प्रदेश को जिस आर्थिक विकास की तमन्ना थी उसे आगे बढ़ाने में यह एक्सप्रेसवे मददगार साबित होंगे। विगत 3 वर्षों में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को बनाने के लिए शासन प्रशासन की टीम ने बेहतर कार्य किया है और इसके लिए काफ़ी प्रभावशाली कदम भी उठाए गए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए पीएनबी बैंक ने सीएम योगी को 750 करोड़ रुपए के लोन का चेक सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज दुनिया में निवेश को लेकर नई प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है। इस नई प्रतिस्पर्धा में कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी का अपना एक महत्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में लीड बैंक के रूप में मजबूती के साथ अपनी सहभागिता निभाने का कार्य किया है। आज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ भी वह जुड़े रहे। तो देखिए आगे क्या कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अपार संभावनाएँ हैं। करीब 5 करोड़ की आबादी के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र गोरखपुर है। इतनी बड़ी आबादी के जीवन में खुशहाली लाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। अभी लखनऊ गोरखपुर NH-28 ही एकमात्र जरिया था। वैकल्पिक मार्ग एक्सप्रेसवे को लेकर जब सर्वे हुआ तो अच्छे परिणाम सामने आए। अगले साल एम्स और फर्टिलाइजर कारखाना काम करता हुआ दिखाई देगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे के विकास की कार्रवाई की भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में भूमि अधिग्रहण व अन्य आवश्यक कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाया है। गोरखपुर में अगले वर्ष के प्रारंभ में एम्स व 30 वर्ष पहले बंद हो चुका फर्टिलाइजर कारखाना कार्य करता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए आगे कहा है, एक्सप्रेसवे विकास का बैकबोन साबित होगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल के 2 महत्वपूर्ण शहर वाराणसी और गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल जो विकास की दौड़ में बहुत पीछे था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वहां के विकास का बैकबोन बन सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह किसी भी नागरिक को नहीं है। तो कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, अपर मुख्य सचिव गृह एवं यूपीडा के CEO अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री SP गोयल, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार समेत PNB व विभिन्न बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि मैंने आपको बताई है। इसमें पूर्वांचल की ज़्यादा है, गंगा एक्सप्रेसवे का तो बस नाम ही लिया गया है। इसके बारे में, गंगा एक्सप्रेसवे बारे में कुछ ऐसी बात खास बात नहीं हुई है। ज़्यादातर गोरखपुर और वाराणसी से जुड़ने वाला वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, उसके बारे में ज़्यादा बात हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अच्छी न्यूज़ लेकर आता हूँ। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे पर भी अपडेट आने वाला है, तो उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको दिखा देंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।